हेलो भाई लोग, वेलकम टू डॉक्टर स्ट्रेंज का। तो गाइस, आज की स्ट्रेटजी TH11 पर है। भाई साहब, मास बेबी ट्रैक विद क्वीन चार्ज एंड पेट स्पेल्स। तो भाई, एक साइड से इसमें क्वीन चार्ज वार्डन वॉक करेंगे और दूसरी साइड से फ्लेम फ्लिंगर अच्छा फना बनाएगा। तो भाई, इस आर्मी में आपको अपनी क्वीन को सेंटर में ले जाना है, तो उसके लिए साइड की बिल्डिंग्स को आप एक एक बेबी ड्रैगन डिप्लॉय करके क्लियर कर सकते हैं। तो भाई, मेरा बॉल ब्रेकर यहाँ खुला हुआ नहीं था, तभी से आर्मी में आपको नहीं दिख रहा है। आप अपने हिसाब से उसे ऐड कर सकते हो 2 या 3। तो भाई, अच्छे से फनाला पावर बन जाएगा, क्वीन कोर में जाएगी। लेकिन भाई, मेरी यहाँ क्वीन ऐसे ही कोर में चली गई थी बिना बॉल ब्रेकर के। भाई यहाँ मेरी फ्लेम फिंगर को मोटर ने थोड़ा डैमेज दिया था, तो हो सके तो आप अपनी फ्लेम फिंगर को लास्ट तक बचाए रखें। तो भाई लोग, ये आर्मी सच में बहुत पावरफुल है। मैंने 90% 2 स्टार या 100% 3 स्टार इस आर्मी से किया है। तो भाई, आप लोग बिल्कुल इसे अच्छे से सीखो और आप इसे वॉर में, CWL में हर जगह यूज़ कर सकते हो और इजी है बिल्कुल। भाई जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पहले किंग डिप्लॉय करा विजार्ड टावर के आगे, जिससे मेरी बैटिंग की पाथ अच्छी बने। तो भाई देखो कैसे क्लियर करते हुए जाते हैं। हो सके तो भाई बेबी ड्रैगन विजार्ड टावर के आगे डिप्लॉय करो, जिससे कि वह डिस्ट्रैक्ट रहें और आपके पैट्स को कोई दिक्कत ना हो। और अगर लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप फ्रीज कैरी कर रहे हो और बिल्कुल भाई बेशक यूज़ करो। भाई देख सकते हो, मैंने एक फ्रीज सेव कर लिया था। भाई मेरे पास अभी इतनी आर्मी बची हुई है, 7 बेबी ड्रैगन, 1 फ्रीज, 4 बलून, भाई क्वीन और वार्डन की एबिलिटी भी। तो भाई लोग सच में, मैंने आर्मी से CWL में भी अटैक्स करे हैं। हाँ, कुछ अटैक्स 3 स्टार रहे 90%+ के साथ, लेकिन भाई एक बार आप पकड़ जमा लोगे तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता। मैं इस आर्मी के साथ और भी अटैक्स शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बड़ी हो जाती। अगर भाई लोग आपको चाहिए इस आर्मी पे या कोई और डिफरेंट आर्मी, तो भाई आप लोग सजेस्ट करो, मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू गाइस।